नहीं मिले, क्योंकि राज्य सरकार ने एक पत्र भेजना था केवल कि ये सारे अकाउंट हमारे राजस्थान के किसानों के हैं और वो वेरीफाई है, इनके खाते में पैसा जमा करो। ये पत्र जो राज्य सरकार को नियम से भेजना पड़ता है, वो भी पत्र अशोक गहलोत ने नहीं भेजा। ये उनको देश भर के किसानों को जो पैसा मिल रहा है उससे भी, और जो मोदी जी पूरा दे रहे हैं, इनको एक पैसा भी नहीं मांगा था, वो भी किसानों तक नहीं पहुंचाए। दूसरा, इकोनॉमिक हमारे यहां शेड्यूल कास्ट को आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण है, ओबीसी को आरक्षण है, वो आरक्षण बरकरार रहेगा, लेकिन अन्य समाज जिनको आरक्षण नहीं मिलता उसमें भी गरीब है, ऐसे सवर्ण गरीबों को भी आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार ने किया 10%। लेकिन राजस्थान में ईबीसी युवक चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन दफ्तरों में उनको ईबीसी का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, यह वादा खिलाफी है। और जो भामाशाह योजना, हमारे सरकार में 3 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त था, लोग बहुत लाभान्वित हुए थे, वो बंद कर दिया। और नई जो आयुष्मान मोदी सरकार की योजना है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, वो आने नहीं दिया। इस तरह से कांग्रेस ने अपने वादों की खिलाफत की है, इसकी सजा देने का समय है। और इसलिए मैंने आत्मविश्वास से सब जगह कहा है और आज भी फिर से दोहराता हूं, 25 के 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये हम काम करके दिखा रहे हैं। और इसलिए लोग जुड़ रहे, हनुमान बेनीवाल आए, त्रिवेंद्र सिंह बैसला आए, समाज के सभी वर्गों के लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगता है सबको कि एक ही है मोदी जी कि जिसके देश में हाथ में देश सुरक्षित है, और इसलिए तरक्की के लिए, सुरक्षा के लिए और एक अच्छे नेतृत्व के लिए लोगों की पसंद मोदी है। ये संदेश हमें सबको पहुंचाना है, यह हमारा मुख्य काम है। उसकी एक टेक्नोलॉजी है नमो ऐप, उसके बारे में टेक्निकल चर्चा बाद में करेंगे। सबको बहुत बहुत